और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सिरोही के रेवधर से। जी हां, सिरोही के रेवधर से इस वक्त की बड़ी खबर है। रेवधर से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज डांगी के घर पर जश्न का माहौल है। नीरज डांगी आज भरेंगे नामांकन। उनके निवास स्थान पर समर्थकों की भीड़ लगी हुई है। सैकड़ों समर्थकों के साथ जाएंगे नामांकन भरने। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष करेंगे पर्चा दाखिल। तो इस वक्त की सिरोही से बड़ी खबर आ रही है रेवधर से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज डांगी के घर पर जश्न का माहौल है। आज भरेंगे नामांकन। डांगी के निवास पर समर्थकों की भीड़ लगी हुई है। सैकड़ों समर्थकों के साथ जाएंगे नामांकन भरने। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष करेंगे पर्चा दाखिल। तो इस वक्त की सिरोही से ये बड़ी खबर है। वहीं अगली खबर भी आबू रोड से आ रही है। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है। अनियंत्रित होकर पलटा है ट्रक। जी हां, मक्का के कट्टों से भरा हुआ था ट्रक। आबू रोड के बहादुरपुरा रोड पर यह हादसा हुआ है। हादसे में अभी तक किसी के कोई भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो सिरोही के आबू रोड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अनियंत्रित होकर ट्रक पलटा है। मक्का के कट्टों से यह ट्रक भरा बताया जा रहा है। आबू रोड के बहादुरपुरा रोड पर यह हादसा हुआ है और इस हादसे में गनीमत यह रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है। वहीं बांदीकुई से बड़ी खबर है। बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र से आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रामकरण सैनी करेंगे नामांकन दाखिल। बांदीकुई में बसवा समाजों के सहयोग से भर रहे हैं नामांकन। बांदीकुई विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रामकिशोर सैनी करेंगे नामांकन दाखिल। रामकिशोर सैनी ने कांग्रेस छोड़ थामा है बीजेपी का दामन। तो बांदीकुई से इस वक्त की बड़ी खबर है। चुनावी माहौल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र से आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रामकरण सैनी करेंगे नामांकन दाखिल। बसवा समाजों के सहयोग से भर रहे हैं नामांकन। बांदीकुई विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रामकिशोर सैनी करेंगे नामांकन दाखिल। रामकिशोर सैनी ने कांग्रेस छोड़ थामा है बीजेपी का दामन। वहीं अगली खबर भी बांदीकुई से ही है। विधानसभा चुनाव में इस बार होगा घमासान। जी हां, गली गलियारों और चाय की दुकानों पर देखते ही बन रही है चुनावी सरगर्मियां। लोग लगा रहे हैं अपने अपने प्रत्याशी के समीकरणों से करने लगे हैं जीत के दावे। निर्दलीय बिगाड़ सकते हैं पार्टियों के समीकरण। तो इस वक्त की बड़ी खबर बांदीकुई से ही है और बांदीकुई में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में इस बार हो सकता है बड़ा घमासान क्योंकि गली गलियारों और चाय की दुकानों पर देखते ही बन रही है चुनावी सरगर्मियां। लोग लगा रहे हैं अपने अपने प्रत्याशियों के समीकरणों से करने लगे हैं जीत के दावे और निर्दलीय बिगाड़ सकते हैं पार्टियों के बड़े समीकरण। वहीं सुमेरपुर से भी इस वक्त की बड़ी खबर है। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पैराशूट उतारने पर भी भारी आक्रोश है। यहां सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष को आज इस्तीफा दे सकते हैं। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की सीट गई हाथ से। यह है, स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इसका आह्वान किया है। सूत्रों के अनुसार कई कार्यकर्ता हो सकते हैं भाजपा में शामिल। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुमेरपुर से। कांग्रेस पे ये एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी है भाजपा की क्योंकि सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पैराशूट उतारने पर भारी आक्रोश है। इसका फायदा उठा सकती है भाजपा।
चुनावी माहौल में इस वक्त की बड़ी खबर देख सकते हैं आप। सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष को आज दे सकते हैं इस्तीफा। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की सीट गई हाथ से, ये कहना स्थानीय कार्यकर्ताओं का। सूत्रों के अनुसार कई कार्यकर्ता हो सकते हैं भाजपा में शामिल। वहीं एक और बड़ी खबर है सुमेरपुर से ही। भिठूड़ा पीरान गांव में विवाहिता झूली फांसी के फंदे पर। मौके पर पहुंच गई है तख्तगढ़ पुलिस। मृतका की 3 साल पहले हुई थी शादी। तो इस वक्त की सुमेरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जीवन लीला समाप्त कर ली है महिला ने और भिठूड़ा पीरान गांव में विवाहिता फंदे से झूल गई है। मौके पर तख्तगढ़ पुलिस पहुंच चुकी है और मृतका की 3 साल पहले हुई थी शादी।